एवरीवन, आज इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एक बहुत ही कॉमन वर्ड सीखेंगे जो है ब्रूटल। आज इस वीडियो में हम ब्रूटल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। द हिंदू वोकैब, इस सीरीज में हम जितना भी वर्ड देखते हैं वो किस न्यूज़पेपर का होता है, तो वो होता है द हिंदू न्यूज़पेपर का। तो उसमें एक ब्रूटल वर्ड है जो क्या है, बहुत ही कॉमन यूज होता है द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो ब्रूटल पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इंग्लिश मीनिंग क्रूएल, वायलेंट, कंप्लीटली विदाउट फीलिंग्स। एक ऐसा पर्सन जिसका ना कोई फीलिंग नहीं है, बहुत ज्यादा क्रूर है, क्रूएल है, वायलेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रूटल कहते हैं। हिंदी मीनिंग निर्दयी या फिर क्रूर। सेंटेंस यूज, ही वॉज द विक्टिम ऑफ अ वेरी ब्रूटल मर्डर, वह एक बहुत ही क्रूर हत्या का शिकार था। नेक्स्ट, द कंट्री वॉज रूल्ड बाई अ ब्रूटल डिक्टेटरशिप, देश पर क्या क्रूर तानाशाह का शासन था। नेक्स्ट, मर्डर इज अ ब्रूटल क्राइम, हत्या एक क्रूर अपराध है। अगर कोई हत्या करता है वो क्या है, बहुत ही ब्रूटल क्राइम है, मतलब बहुत ही ऐसा क्राइम है जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, वही तो किसी का मर्डर करेगा ना, तो क्या होगा, मर्डर इज अ ब्रूटल क्राइम, कि हत्या एक क्रूर अपराध है। सिनोनिम्स देखते हैं, क्रूएल, बारबेरिक, दोनों का मतलब भी वही होता है, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, एकदम निर्दयी है, क्रूर है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रूएल कहते हैं या फिर बारबेरिक कहते हैं। एंटोनिम्स है हमारा जेंटल और ह्यूमेन। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में ब्रूटल वर्ड के बारे में डिटेल में स्टडी किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने इस वीडियो में इस वर्ड के बारे में डिटेल में स्टडी किया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।